ठीक है, टच नहीं करो। पापा देखो काम कर ले काम। सुनो चलो वो बालकनी का वो सामान रख देते, सब वो कूलर तो सेट कर लिया था। अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, फिर वो काम वाली आएगी, फिर तो सफाई हो जाएगी, फिर अगला काम शुरू करेंगे। अभी पहले करते ओए आए काम करेंगे, काम करेंगे, शु काम करेंगे, काम सफाई पार्ट टू करेंगे, सफाई पार्ट टू। चलो चलो चलो। So guys, कल जहाँ पर छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे इसको, जिसे अपन बोलेंगे सफाई पार्ट टू। ये जो पूरा पोर्शन इसको अभी सही करेंगे, अभी जो आपको खराब दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, सब इकट्ठा हो जाएगा। किताब ले ली नीशा, यहाँ पे काम की नहीं है बेटा। बेटे गंदा नहीं, बाहर मत जाओ, इधर आ जाओ आप। मेरी किताब ले ली इंजीनियरिंग की, ये क्या ऊपर रखी हुई थी, इसमें क्या है कि मेरी इंजीनियरिंग की और बारहवीं की और पुरानी किताबें थी, तो बारहवीं की सारी किताबें निकाल दी मैंने, कोई साइंस नहीं, और कुछ सॉल्व पेपर थे वो सब निकाल दिए। एक्चुअल में जो बुक्स है वो सब रख ली मैंने सिविल इंजीनियर्स की, मैं सिविल इंजीनियर हूँ एक्चुअली में। तो रद्दी वाला आया था तो रद्दी वालों को मैंने अखबार वगैरह सब दे दिए हैं, बाहर जितने गत्ते थे वो सब दे दिए, किताबें थी फालतू की वो सब दे दी। अब मैं कर रहा हूँ ये वाली बालकनी, जो कि एक्चुअली साफ तो है ही, बस ये है, हाँ आरओ भी निकाल दिया, साफ तो है ही, बस थोड़ा वो जो मिट्टी विट्टी है ना उसको हटाऊंगा मैं। टच नहीं करो ठीक है, टच नहीं करो, पापा देखो काम कर ले काम। यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे काम में जाल तो वैसे ही साफ कर दूंगी इसको, है ना। सो गाइस, काम करने वाले आंटी आ चुकी है मीशो की, सामान एडजस्ट हो गया है, जो मोटा कचरा वगैरह है उसकी सफाई हो रही है, वो बाहर वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? हीना जी करवा रही है वहाँ पर सफाई और मैं तैयार कर रहा हूँ नाश्ता, आज बन रहे हैं सैंडविच। लाओ दो। अरे भाई दे दो लव, थैंक यू, वन मोर, थैंक यू, टू मोर। आपको तो दोनों दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं नहीं करने जा रहा हूँ, मैं नहीं करने जा रहा, फिर नहीं करूँगा, फिर नहीं करना। बार बारिश हो रही है, अक्टूबर का महीना चल रहा है और बारिश हो रही है। सो गाइस, दोनों जो बालकनी है वो तो हो गई है कंप्लीट साफ, ये हमने सेट कर दिया इधर, ये गमले हैं मैं यहाँ लगा दिए हैं, ये स्टैंड रख दिया कूलर का, ये टेबल ये पहले से एजिटिंग कर दी, ये कूलर एक के ऊपर एक आ गया, यहाँ से ये बिल्कुल क्लीन कर दिया, और उधर वाला जो बालकनी है वो भी क्लीन हो चुका है, ये कम्प्लीट हो चुका है, कूलर यहाँ से हट चुका। ये मशीन जो है इसको हमने थोड़ी सरकाई था कि इसके पीछे से सारी सफाई कर सके, इसकी क्या सर्विस करवाऊंगा उसके बाद। अब जो सफाई का पार्ट है वो है सेकंड पार्ट, जिससे अपन बोलेंगे फेज टू, सफाई फेज टू। हिना जी का ये सफाई फेज टू, जिससे अपन बोलेंगे। हिना जी अब बाल सेट कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ टकली हो जाओ, सुन ही नहीं रहे, मैं गंदी हो जाएगी एक बार तो कम से कम बाल प्रॉपर तरीके से बाल आएंगे, बिल्कुल सफा चट हो जाओ कांचा चीना की तरह। सो गाइस, फेज टू के अंदर है ये जो बेड है, ये जाएगा दूसरे कमरे में, ये अलमीरा जो है वो यहाँ आएगी, और उस कमरे में जो बक्सा है वो यहाँ आएगा। चेंजेस क्या घर में सही रहते हैं, इससे ये होता है क्या घर की सफाई हो गई है, सफाई हो जाती है, फिर अलग लगता है, अच्छा लगता है, होता है ही। धीरे धीरे आराम आराम की उड़ेगी नहीं तो। ये पेन लाओ, वो क्या चीज़ है, वो सामने देख लो क्या है, लिपस्टिक पटका होगा, लिपस्टिक भी है इसके अंदर, देखो टूटी हुई लिपस्टिक। बेटा उठो चलो, प्यारे प्यारे घर हो गया, जब चेंज करने से कुछ हो गया। सो गाइस, सारी शिफ्टिंग है कंप्लीट हो चुकी है, ये बक्सा यहाँ आ गया, ये अलमीरा जो है ये यहाँ आ गई है, इसको हमने यहाँ सेट किया है, पूरा ड्रेसिंग टेबल, और ये रहा आपका बेड जो इधर आ गया है, ये जगह खाली हो गई है, यहाँ पर ये आ जाएगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, अब जो बेड के अंदर सामान रख देंगे जो बचा है, और बिस्तर इधर आ जाएगा नीचे वाला। मीशो के कपड़े कहाँ गए? हाँ? हाँ?
पिशो अंदर गई भी तू इधर इधर पीकापू कहाँ भी रख दिए यहाँ पे रख दिया यहाँ पे रख दिया ये बैड कहाँ गया हाँ अब मिशु कहाँ सोएगा बताओ बताओ यहाँ पे सोओगे यहाँ पे सोएगी आप रेड पेपरिक और मिंट मायो होता क्या है वैसे ये बताओ तो मंगा लो फिर वहां पर है उधर आपको आवाज सुनाई भी नहीं दे रही होगी उधर खड़ी चलो पिज्जा मंगा रहा हूँ गाइस कह रही कि आज पिज्जा खिला दो बहुत काम कर लिया ना आ बैक हो गया ऐड किया था सारा खत्म ये देखो मैंने माला कर दी सही है बीच में आएंगे अभी क्या जब पर्दे लगाएंगे तो भी हटो भाई क्या हो रहा है मुझे टॉयलेट जाना है मेरे रास्ते की रोक रो हाँ बिट्टू न्यू न्यू बेड हो गया न्यू न्यू बेड अपन आज क्या सोएंगे बिट्टू यहाँ पर सिर्फ पापा और मम्मा सोएंगे बिट्टू आप नहीं सोओगे चलो कमरे से बाहर जाओ ओके मत आना अंदर अंदर मत आना नो 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 आप नहीं आओगे नो 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 आप नहीं सोओगे चलो जाओ 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 नहीं नहीं आप नहीं सोओगे चलो 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 चिल 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 खाने जा रहे हो अच्छा जी बिग बॉस चल गया इनका बिग बॉस शुरू हो गया अब यही चलेगा मैंने बस एक बिग बॉस देखा था वो है सिद्धार्थ शुक्ला वाला अच्छा 2018 का था या 19 का था बस वो देखा था मैंने ला दो आंखों में कैसे आंसू भरे हुए हैं देखो अभी रो रही थी जस्ट अभी बंद हुई थी जैसे मैंने कैमरा ऑन किया कमरा कितना खाली खाली हो गया है जी कमरा कितना खाली खाली हो गया वो अभी तो सामान सेट नहीं अपने आप से ही ठिकाने हाँ बेटू हाँ नहीं बेटू अभी और होएगा ठीक है खाना बन रहा है ना सो गाइस आज का जो हमारा सफाई का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है कल से हम वापस लगेंगे इनके इस वाले कंप्यूटर सेटअप वाले रूम में जहाँ पे हम पहले सोते थे अभी इस कमरे में बैठ लिया है ना इसलिए तो अब दोबारा शुरू करेंगे सफाई कल से आराम से नाश्ता वाश्ता करके आराम से करेंगे थकान तो हमें हो रही है पर इतनी नहीं हो रही है क्योंकि हम बीच बीच में रेस्ट कर रहे थे जैसे काम करा मीशु को मिलाया उसको सुलाया तब मेरा रेस्ट हो गया थोड़ा बहुत हाँ बोलो तो अरे तो आप आओ तो सही मम्मा पास इधर हाँ जी देखो मम्मी ने आपको क्या दिखाया हा? क्या दिखाया दिखाओ वाओ देखो तो सही चीजी बनी चीजी सो गाइस ये माइक्रोवेव का के साथ आते हैं ना कुछ ऐसे तरीके के तो वो है स्टीम का इडली का को निकाल के दे दिया ताकि थोड़ा सा मन अच्छा लगे इसको मुझे कुछ मिला है और अब ये मीशू इसके साथ खाना बनाएगा मीशू क्या बनाएगा इडली और रुको तो हाँ चलो व्लॉग तो एंड कर दो पहले व्लॉग एंड कर दो नहीं। एक बार फिर वापस से व्लॉग बनाएंगे अपन दोनों दोनों ठीक है व्लॉग एंड कर दो बिटू ओके बाय बाय ओके बाय बाय गुड नाइट